गंगरार अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर विद्यार्थियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेवाड़ विश्वविद्यालय के करीब 150 से भी अधिक विद्यार्थियों ने आज उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देते हुए अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान समय में करीब 175 विद्यार्थी मेवाड़ विश्वविद्यालय में एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा AHDP द्विवर्षीय कोर्स कर रहे हैं। प्रथम वर्ष में 75 व द्वितीय वर्ष में 100 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय निर्धारित फीस 57,000 के करीब फीस जमा करवाई और द्वितीय वर्ष में करीब 58,500 रुपए जमा करवाए। प्रवेश के समय विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को बताया कि वह जिस डिप्लोमा का कास कर रहे उसकी सरकारी मान्यता उनके पास है और उसी विश्वास पर विद्यार्थियों ने यहां प्रवेश लिया। विगत दिनों विद्यार्थियों को जयपुर सेक्रेटरिएट एवं डायरेक्टरेट द्वारा जानकारी मिली कि वह जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसकी विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन से बात की, जिस पर कॉलेज प्रशासन यह जवाब दिया कि हमारी कोशिश वर्तमान में जारी है और जल्द ही मान्यता मिल जाएगी, जिस पर आज विद्यार्थी उपखंड अधिकारी के समक्ष अपनी फरियाद करते हुए कहा कि उनका भविष्य अधर धार में झूल रहा है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो क्या करें और उनके द्वितीय वर्ष पूरे होने में मात्र एक माह ही शेष बचा है। ऐसे में विद्यार्थियों ने अधिकारियों के समक्ष उचित कार्यवाही की मांग की। इस अवसर पर रमेश चौधरी, दुष्यंत प्रताप सिंह, इंदिरा बैर्व, बबलू डांगी, कोमल मेघवाल व समीर खान सहित बड़ी तादाद विद्यार्थी उपस्थित थे।